भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता व विधायक अजय चंद्राकर ने धान खरीदी की किश्त जारी करने के मामले प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चार किश्त में किसानों को राशि देने की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने किसानों को केवल अब तक एक किश्त ही दी है, कई किसानों को तो एक किश्त भी नहीं मिली है। अभी खेती का कार्य जोरों पर है और चुनाव सिर पर है, सरकार के पास मौका भी है और दस्तूर भी, सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को चार किश्त की राशि ट्रांसफर करें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चार साल से धान खरीद रही है और वो दावा करती है कि हम 2500 रुपये में धान खरीदते हैं। मैं श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री ताम्रध्वज साहू जी, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को चुनौती देता हूं, उनके साथ पूरे कांग्रेसियों को चुनौती देता हूं कि 2500 रुपये की एक भी रसीद प्रदेश भर में किसी भी सोसाइटी का मुझे दिखा दें तो हम उसको यथोचित इनाम देंगे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी उसको इनाम देगी। ये किसानों को ठग रहे हैं कि हम 2500 रुपये में खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 2500 रुपये में धान तो नहीं खरीदती है और 9000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि देने का दावा करती है। दो महीने बाद छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी तक किसानों को एक किस्त मिली है और बहुत सारे किसानों को एक किस्त नहीं मिली है। यदि ये अपने आप को किसानों की सरकार कहती है तो आचार संहिता लगने के पहले छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को चारों किस्त दें और यदि नहीं देते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में किसानी का काम पूरे सबाब पर है, पूरे ऊंचाई पर है, तो इसलिए उनको देना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए और यदि नहीं देते हैं तो उनको गद्दी छोड़ के बाहर जाना